मेरी बात सुन हम एक मौजिम मौजूद है, दिस इज नॉट अ टॉपिक, हम आगे चले गए। मेरा टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, आप जो पीडीएम क्या दुरुस्त करेगी, एक नहीं मानेंगे कभी भी, ये कभी भी नहीं मानेंगे जिंदगी में। सर जी आपके पास किसी के पास 10 का नोट है, 10 का नोट इनके साथ हुआ है ये कभी नहीं मानेंगे। हुआ के साथ हो क्या रहा है ये अभी तक इनको ये ही नहीं पता। सर मैं आपकी बात का जवाब दूं, ये पकड़े जरा कैमरे में, ये नोट किसका सर? और भाई ये नोट किसका है? कागज का है, कागज का है। ये नहीं बोलेगा 10 का नोट है, नहीं बोल रहा 10 का नोट है, ये बोल रहा कागज का है, 10 का नहीं है ये नोट। ये बताएं आप साइफर जो कह रहे हैं ये जिसमें सजा हुई है पूरे करते, अगर उसके पूरे नहीं कर रहे थे तो 1.5 साल इन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने किया क्या है ये तो बताओ, क्या किया इन्होंने, किया क्या ये बताओ। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हॉस्पिटलों में जितने कार्ड थे वो बंद किए हैं, और इनसे पूछे तो ये कहते हैं हमने बनाए थे, वो नहीं बनाए थे, वो इन्होंने नहीं बनाए थे। फिर वो जो दाता साहब के सामने जो इन्होंने लंगर खाने पनाह गए, लंगर खाने क्यों बंद किए इन्होंने, मुझे ये तो बताए क्यों बंद किए, पनाह गए बंद नहीं हुई, मान लेते लंगर खाने बंद कर दिए, गरीब मेरी बात सर जी आपको नहीं चाहिए, मेरी बात सुने लोगों से, एक मिनट सर जी आपको नहीं चाहिए, इधर आए इधर आए, इस बंदे को देख रहे हैं, इस बंदे को लंगर खाने चाहिए, और पता है मैं आपको बात, तो आप मेरे भाई हैं, लेकिन यकीन करें आप ही सब कमिट खड़े रहिएगा, जिनके पेट में रोटी है उनको कभी लंगर खानों का साथ नहीं होगा, जिनके सर पे छत है उनको पनाह गए उनका भी साथ नहीं होगा। मसला था खुदा की कसम, मैं इमरान खान का नाम लेना है ना उसको, इमरान खान इनसे पूछे ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने क्या किया, अब ये मुझे ये बताएं ये आप हुकूमत किस कैसे लेके आए हैं, ये बताएं मुझे कैसे लेके आए हैं, नहीं ये आप बताएं ना ये कैसे आए हैं, आप किस तरह आए हैं, आप दोनों में नहीं आए अच्छा एक मिनट अंकल ने बड़ी अंकल 2018 में इमरान खान आप कह रहे हैं ऐसे आया जैसे ये लोग आए, मुझे कोई 5 लोगों के नाम बताया जिसके कागज नामजदगी छीन के सरकारी अफसर भागा हो, सॉरी सॉरी यार, मतलब यही है कि 5 लोगों के नाम बताए जिसके कागज नामजदगी लेकर कोई सरकारी बता भागा हो, जिस तरह ये बताइए अपना नाम बताए, आप तो आप लोग तो अब भी कह रहे हैं कि जो लोग जीते हैं वो भी हमें दे दें, जिन लोगों ने इमरान खान को दिया वो भी हमें दे दें, सीटें चुरा के भी सीटें मांग रहे हैं ये लोग, भूखे मर रहे हैं आप, आपका जवाब लोग भूखे मर रहे हैं, ये सीटें चुरा के भी सीटें मांग रहे हैं, ये जो गरीब लोग हैं अब आपने कहा ना हम 200 यूनिट हम फ्री देंगे, सर वो मुझे बताएं वो कैसे देंगे अब आप फ्री, वो कब देंगे ये नहीं पता, कहा जरूर था इमरान खान अब आप नवाज शरीफ का नारा लगाएंगे, नवाज शरीफ का लगाएंगे, नारा लगा सर नवाज शरीफ का नारा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। नाज़रीन किराम ये साथ ही साथ मैं आपको ब्लूपर भी दे दूं एक कि मैं गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं और हमारे आखिरी नबी हैं, और जो ये चीज़ नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से ही नहीं है बल्कि उससे हमारी जंग है। आगे चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भाई स्टूडेंट हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, पढ़ लिया लॉयर करने वाले, मेरा फोर्थ ईयर है। बड़े भाई छोटा सा सवाल है, पीडीएम की हुकूमत दोबारा आने वाली है 2.0 के नाम से, जिसमें आसिल जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब तमाम मिल के हुकूमत संभालेंगे, 16 महीनों की हुकूमत भी इनके साथ में गई, क्या लगता है आने वाले वक्त में ये कुछ संवारेंगे कुछ करेंगे? सर देखें उम्मीद, एक उम्मीद वासिक तो तब होती है कि जब आवाम के मैंडेट के मुताबिक या आवाम की राय के मुताबिक कोई गवर्नमेंट आती, जो एलेक्टेबल्स थे वो सिलेक्ट हो के आए, उनको सिलेक्ट चोर दरवाजे से किया गया है, थर्ड डोर जो वो यूज़ हुआ है पाकिस्तान में, आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, तो सबसे मेन बात यह है कि उनसे उम्मीद तो तब हो, वो अब आवाम की मर्ज़ी से नहीं आए, वो जिनकी मर्ज़ी से आए वो उनको खुश करेंगे, अगर आवाम की मर्ज़ी से मुंतखब होके आते तो उन्हें आवाम के लिए करना था, ये तो चीटर हैं, अभी आप देख लें आते ही उन्हें पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, तो ये तो अभी IMF का इन्हें 24 अरब देना है, ये अभी अरब डॉलर देना है अभी, तो वो किधर से पे करेंगे ये,
हमारा मुल्क जकड़ा जा चुका है सूद के निज़ाम में, और उसकी जद में गरीब आवाम जो गरीब है वो पे दर पे पिसता जा रहा है। ठीक है, तो उसका अब एक ही हल है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर राशुमारी, एक रेफरेंडम जो फ्री एंड फेयर हो, जिसके तहत वो हो कि जिसे आवाम मुंतखब करे ताकि आवाम का उस पर एतमाद हो। अभी आपके मुल्क में इन्वेस्टर बिल्कुल अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, वो नहीं आ रहा है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज डे बाई डे डिक्रीज होती जा रही है, गिरती जा रही है, तो उसकी वजह यही है कि ये हुकूमत इस पर एतमाद नहीं है, इन्वेस्टर का एतमाद नहीं है, आम आवाम का एतमाद नहीं है। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक भाई ने नारा लगाया इमरान खान, तो 20 बंदों ने उसका जवाब दिया, एक भाई ने नारा लगाया नवाज शरीफ तो उसका आपने लगाया, उसका किसी ने जवाब नहीं दिया, उस पर रिस्पांस क्यों नहीं आया, उस पर रिस्पांस देखें, उस पर रिस्पांस क्यों नहीं आया, नहीं उस पर रिस्पांस क्यों नहीं आया, उस पर रिस्पांस इसलिए नहीं आया कि क्योंकि आवाम जिसको पसंद कर रही है, जिसको मुंतखब करना चाहती थी, उसके साथ धांधली हुई है, धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है, किसी ने ना उनको इलेक्शन कंपेन करने दिया, कोई मतलब रैली, कोई जलसा, कोई प्रोग्राम, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई चीज़ नहीं करने दी, उसके बावजूद अगर वो 100+ सीटें ले लेता है, और अभी भी जो फॉर्म 45 के तहत वो कह रहे हैं हमारी 180+ हैं तो वो आप दे दें, तो उसके बाद आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन जब आवाम को उनका हक मिलेगा। वो भाई एक बात कह रहे थे कि हमने कौन आया, भाई मेरी बात सुने, सिंपल बात, अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं कि वाहिद उम्मीद पाकिस्तानी कौन है तो आप क्या कहेंगे, कौन है? इमरान खान सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें जो मेन बेसिक बात है वो ये है कि अगर इस टाइम आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन फेयर हुए हैं, आवाम के साथ धांधली हुई है ना, जुल्म हुआ आवाम के साथ, आवाम का मैंडेट सर ये बड़ी जबरदस्त बात, 50 साल मुझे 50 साल हो गए मुझे यहाँ पे, ये धांधलियाँ ये नई नहीं हो रही, सबके हुई है, सबके साथ हुई है, अभी हुई है, मुझे नहीं पता ये हुई या नहीं हुई, हमने 50 साल से हुई है लेकिन अभी नहीं पता। देखें इमरान खान 2018 में कैसे, तजाद है ना सर, देखें 2018 में इमरान खान कैसे आया, आप बताएं कैसे आया सर, मैं बता देता हूं जरा इस बात का, मैं नहीं उनकी बात पूरी, अब मैंने देखा आपकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुनी, मैंने आपकी कंप्लीट बात सुनी, वो खामोश रहे, आपको भी उनकी बात पे खामोश रहना चाहिए। 2018 में वही एजेंसियां लेके आई ना, इसको लेके आई एजेंसियां, तो वो अभी आप आपको लेकर आ रही हैं, वो जिनको ये सर जिनको अभी आप वाली लेकर आ रही हैं, मैं ये वाली बात कर रही हूँ अभी, मैं पीछे वाली बात कर रहा हूँ जहाँ से हम खराब हुए हैं। अच्छा, 18 से जब हमारे पास खाने को रोटी भी थी, हर चीज थी ना हमारे पास, सर भुट्टो की हुकूमत ना पहला इलेक्शन हुआ था, मुझे बताएं पहली हुकूमत क्या उनकी मर्जी के बगैर बनी थी? मेरी जान कभी 2018 में 18 से पहले कभी चीज इतनी स्वीटों से ऊपर नहीं गई। अच्छा, 2018 के बाद हमें मुशर्रफ दोनों वापस चला जाना चाहिए, एक और चीज वापस चला जाना चाहिए, 1947 में जो पाकिस्तान बना, अगर तो चीज महंगी थी ही नहीं, हमें रोटी चला जाना चाहिए, नहीं उससे 18 तक की बात कर रहा हूं। इन्होंने NA 130 के अंदर इन्होंने जो फॉर्म 47 अपलोड किया है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, हामिद मीर साहब का भी इंटरव्यू है उनकी जियो की ट्रांसमिशन पे, उस पर इन्होंने जमात इस्लामी के जो सूफी खलीक अहमद भट्ट साहब थे उस पर 0 वोट शो हो रहा है। मेरे मोबाइल के अंदर तस्वीरें पड़ी हैं गवर्नमेंट वजीर मॉडल स्कूल में सूफी खलीक अहमद भट्ट को 25 वोट डले हुए हैं MNA की सीट से। अब आप ये देखें धांधली का क्या आलम है, ये सब कुछ होता है मेरे सामने, देखें इन्होंने जो 2018 में किया सामने आ रहा है ना, ऐसी आता है ना। चले, मैंने वही सवाल आपसे दोबारा रिपीट करना है, 2018 में धांधली हुई हुई, आप फॉर्म 45 लेके सड़कों पे क्यों नहीं निकले? और भाई जान मुलक जो है ना, मुलक को चलने दिया जाना चाहिए सर, मेरी इस बात का सवाल, आप आगे चले जाते हैं, फॉर्म 45 लेके सड़कों पे क्यों नहीं आया? और भाई जान इसलिए क्या होता है, हमें सब पता है, पहले क्यों नहीं आए बताएं, और मुझे पता है यार, मुझे ये ना बताओ, मैं बात ये सिर्फ कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ, कभी पाकिस्तान की तारीख हिस्ट्री कर रहा हूँ, सिर्फ किसी बंदे ने फॉर्म 45 का जिक्र किया? मैं नहीं किया, वो भी निकला है, जिक्र किया, उसके पास शऊर है, उसके पास एक नॉलेज है, उसने उसे एक्सेप्ट करें, किसी को पता भी नहीं होगा कि फॉर्म 45 क्या। अच्छा आप बता दें फॉर्म 45 क्या होता है? भाई जान शुरू से ये इलेक्शन हो रहा है और ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। फॉर्म 45 क्या होता है यार? रिजल्ट जो लिख के देते वो रिजल्ट है, पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट, स्टेशन का, हाँ पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है। फॉर्म 45 ये होता है, गिनती होती है, उसके बाद उसकी तरतीब से। आप कह रहे हैं 2018 में इमरान खान को धांधली से लेकर आए? बिल्कुल। आप कह रहे हैं सर
बड़ी मैं बड़ी प्यार करता हूँ आपकी दाढ़ी से, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, ये तो मुझे बड़ा प्यार है। मुझे उम्मीद है आप सच बोलेंगे, मुझे कोई पांच नाम ऐसे गिनवाएं जिनकी कागज नामजदगी छीन कर सरकारी अफसर भागा हो। पांच नाम, सिर्फ पांच, पांच नहीं एक गिनवा दे। मेरी बात सुने, ये चीजें क्यों हुई है, क्यों हो रही है ये सारी? सर हुई नहीं, पहले नाम बताएं। आप जब सर नाम बताएं, है नहीं अपने मुल्क के हुआ पर जब धमाके करेंगे सर ऐसा हुआ? कौन सा धमाका हो गया मुल्क में सर जी? जरा एक बहुत अच्छी बात आज खान साहब की आपके साथ ऐड करूंगा इसमें। देखें खान साहब का एक नजरिया था, खान साहब का एक नजरिया था, आप मेरे लिए आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। देखें नहीं मेरी बात सुन लें, बोतलों में थे प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल पंप। खान साहब ने कहा था कि मैं नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर दूंगा अगर उसने पाकिस्तान में कोई ड्रोन अटैक किया। आप बम की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ बाहर से आके कोई हमारे मुल्क में बम मार, 70,000 अफगानी हमारा बड़ी बात है, हमारा कोई नहीं चला गया, 70,000 कबायली हमारा शहीद हुआ, उनका खून सस्ता था यार ये खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई ड्रोन अटैक। सिंपल सी बात है, 35 साल का टेन्योर बनता है जरदारी का और नवाज शरीफ का। 35 साल पहले यहाँ से किसी से पूछ ले, 35 35 भाई एक मिनट 35 साल टेन्योर है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। आप यहाँ किसी से पूछ लें इधर कौन सी दूध की नहरें बह रही थी, इनसे पूछ लेते हैं। इधर कौन सा बंदा ऐसा था जो लैंड क्रूजर पे फिरा था, अब रोड पर इस पे आ गया। मैं इनसे पूछता हूँ, आप सबर करें, आपने बोलना नहीं है बीच में, इधर आ जाए मेरे पास। आपने तसल्ली से भाई की बात, और मुझे यकीन है ये जवाब देंगे, मुझे अपने भाई पे पूरा यकीन है। सर नवाज शरीफ ने 3 बार टेन्योर किया, बिल्कुल किया, तकरीबन 35 साल तक सियासत में रहे, बिल्कुल रहे। अब नवाज शरीफ साहब को कोई 3 काम गिनवाए जिसमें सिमट सरिया बजरी इस्तेमाल ना होता, आप चल किस पे रहे हैं? आप 3 काम सीमेंट सरिया बजरी से अलावा आपने बिजनेस के लिए यहाँ से वहां तक जाना, कैसे जाना है? खुदा की कसम, अब सुने मैं जवाब खुदा की कसम, मेरे घर में मेरी माँ बीमार हो ना, मैं सड़कों को चाटूंगा नहीं आके। ओ भाई जान, अल्लाह की कसम, बीमार लेके कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे आप जब आपके रोड ब्लॉक होंगे? यहाँ पे आपको नहीं पता कैसे ट्रैफिक जाम होती थी? भाई 3 काम गिनवा दो मुझे यार, मैं बता तो रहा हूँ सारे काम, पूरा मुल्क बनाया है उन्होंने भाई जान, पूरा मुल्क। कायदे आजम ने मुल्क नहीं बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया भाई जान। कायदे आजम ने जैसे दिया आपको भी पता, कायदे आजम ने जैसे दिया आपको भी पता है, उसके बाद जैसे उस दौर का मुल्क देखें तो अब देखें, कायदे आजम ने जैसा मुल्क दिया है तो नवाज शरीफ ने आके ठीक किया भाई जान, चेंज हुआ है ना, फर्क पड़ता दिन ब दिन। डॉलर हमें 110 पे छोड़ के गए, वो डॉलर 30 रुपए से 110 पे कैसे आया? भाई जान ऐसे ही हुआ है जैसे आपने 2019 में सारा बढ़ाया आगे, ये ऐसे ही हुआ है। आप लोगों ने इतनी देर से इतनी टर्नओवर में किस तरह वो डॉलर जो है वो 110 पे किस तरह आ गया? आप लोग 30 रुपए पे ही रहता, वो डॉलर 30 रुपए पे ही रहता। चीनी 35 रुपए किलो थी, 65 रुपए किलो थी, वो तो भी कोई ना 19 में आप 110 रुपए करना चाहिए, 110 रुपए 47 के रेटों को आपसे कंपेयर करना चाहिए। मैं लास्ट सवाल करूं फिर मैं आगे जाऊं ना, आपका टाइम वेस्ट हो, सुन ले मैं लास्ट सवाल, ठीक है? आपने मेरी अभी तक किसी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे अब भी उम्मीद है आप मेरी इस बात का जवाब देंगे। पीडीएम की 16 माह हुकूमत आई, अच्छा उनका दावा नहीं था कि वो रोजगार लेकर आएंगे, उनका दावा ये नहीं था वो पाकिस्तान में सड़कें लेकर आएंगे, हॉस्पिटल लगाएंगे, कोई दावा नहीं था। एक दावा था कि वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई खत्म करेंगे, 16 माह में आगे महंगाई खत्म कर दी यार। आप दावा लेकर आए, आप मुझे ये बताएं जब इमरान खान यहाँ से गया या ना, में जवाब दे दो खुदा के बंदे, मैं दाढ़ी का एहतराम हो सकती हूँ, मैं दाढ़ी का एहतराम से खत्म होगा, खत्म हो गई। आप कर्जे थे ना, वो बाहर भागा, वो अभी भी जेल में ही है, ना उसने कोई डील की, और भागा नवाज शरीफ होता अभी भी ये कह रहे भागेगा, अभी भी ये कह रहे भागेगा इमरान खान। सर आप नवाज शरीफ के साथ हैं? यार मैं नवाज शरीफ, बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं नवाज शरीफ के साथ था, मैं राइज का एम्बेसडर रहा हूँ, 3 साल एम्बेसडर ऑफ द ईयर रहा हूँ मैं राइज में, राइज के प्रिंसिपल तक से बहस करता रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन मुझे अब रियलाइज होता है कि मैंने नवाज शरीफ को गलत सपोर्ट किया, क्योंकि जो बंदा अपने स्टैंस का पक्का नहीं है, जो अपनी जुबान का पक्का नहीं है, वो हमें लीड ही नहीं कर सकता, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है उस बंदे के अंदर। वो बेसिकली चूचू का मुरब्बा है, जो ये हुकूमत अभी भी आ रही है वो भी चूचू का मुरब्बा है। सारी बात इधर खत्म हो जाती है कि जो लीडर होता है वो अपनी कौम में रहता है। सर आपने इधर ही रहना है, आप इमरान खान के सपोर्टर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान, आप नवाज शरीफ के सपोर्टर? बिल्कुल हैं। अच्छा आप दोनों में अभी मुकाबला हो जाता है, अभी पता लग जाता है मुसलमान है माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक ईमान है कि हमें जब लाइफ टेस्ट होता ना, वो किसी दीन में नहीं है माशाल्लाह, हमारे दीन में कसम उठा सकते हैं हम। सर आप ये कसम उठाए कह सकते हैं आप नवाज साहब भागेंगे नहीं?
क्या मतलब भागेंगे नहीं? कसम कसम उठा के। मैं क्यों कसम खाऊं इस चीज की? भागेंगे नहीं, भागेंगे कैसी बात कर रहे हैं जी भाई। मैं कसम, आप क्या कसम खाए कह सकते ना इमरान खान भाई? क्योंकि अब तक वो नहीं गया, आगे भी नहीं जाएगा। वो कसम, मैं कसम खाए कहता हूँ इमरान खान बाहर नहीं जाएगा सर। ये फैसला है यार।